तो अगली खबर जनपद अल्मोड़ा से आ रही है, जहां प्रधान डाकघर माल रोड रानीखेत में विभाजन की विभीषिका प्रदर्शनी और डाक चौपाल का आयोजन किया गया। आयोजित चौपाल में डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में डाकपाल रानीखेत द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही डाकपाल द्वारा यहां उपस्थित जनता की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इसी के तहत ही डाकपाल चंद्रशेखर परगाई ने बताया कि जिस प्रकार देश के बंटवारे के समय देशवासियों में डर, भय, दहशत और आतंक का माहौल था, इन सबको प्रदर्शनी के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया है और इस प्रदर्शनी का प्रतिवर्ष 10 से 14 अगस्त तक आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। हमारे पोस्ट ऑफिस में विभाजन की विभीषिका के बारे में एक प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। प्रतिवर्ष हम 10 तारीख से 14 तारीख तक अगस्त के महीने में इसका प्रदर्शन करते हैं। इसमें हम दिखाते हैं कि विभाजन की विभीषिका, यानी कि हमारा देश जब बंटवारा हो रहा था उससे पहले देश में क्या हालात थे, क्या भय और आतंक था, लोगों के बीच में कैसी भागदौड़ थी, उहापोह थी, और इस उहापोह और भागदौड़ के बाद विभाजन हुआ है। उस विभाजन की विभीषिका को हमने दिखाने की कोशिश की है। लगातार प्रदर्शनी 10 तारीख से 14 तारीख तक सतत रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसमें स्कूल के बच्चों और अन्य समाज के लोगों को, जन सामान्य को भी इसमें शामिल करते हुए इसका लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि वो जानकारी से लाभान्वित हुए हैं।